वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे, उस एप्लीकेशन की मदद से आप हर आने और जाने वाली कॉल को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा आप उस एप्लीकेशन को एज अ डायलॉग यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप मैसेज भी उस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कमाल का फीचर है, आप बिना नंबर सेव किए किसी को भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक लाजमी से देखना पड़ेगा। मोबाइल की स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में और सर्च बार में आपने टाइप करना है कॉल ऐप 2022 और इसको सर्च करना है। ये वाली एप्लीकेशन फर्स्ट पे आपके सामने आ जाएगी। इस एप्लीकेशन का आइकन वगैरह आप चेक कर लें। इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी और फिर इस समय एप्लीकेशन को ओपन करके इसको चेक करेंगे। जी तो ये एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो रही है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके इसकी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ चेक करेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ। तो इस ऐप को हम ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर करता हूँ। ये कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएंगी, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। हम इसको परमिशंस दे देंगे, अलाउ करेंगे और यहाँ पे आपने एंटर करना है अपना फ़ोन नंबर। जी तो मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया है। अब मैं सेंड एसएमएस के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे सिम पे जो मैंने नंबर डाला है वहाँ पे कोड जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, तो आपने क्लिक करना है ओके विद एड्स पे। ये इसके फीचर्स आपको दिखाए जा रहे हैं। ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि ये मैं भी आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इसको बैक करेंगे और ये हमारा है होम पेज। डिस्कार्ड किया। जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ये प्रोफाइल वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी कोई फ़ोटो लगा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं और अपने ईमेल वगैरह, बर्थडे एड्रेस, वेबसाइट वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद बैक करते हैं। नीचे है जी गो प्रीमियम, इसको आप परचेज़ भी कर सकते हैं। उसमें फिर ये जो एड्स वगैरह है वो नहीं आएंगे, लेकिन ये फ्री में भी अच्छा वर्क करती है, तो उसे परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेफर एंड अर्न, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके जो फ्री वाले ऑप्शंस हैं वो तो आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करेंगे और वो ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल करेंगे तो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और आपके ये जो प्रीमियम होते हैं, इसके जो फीचर्स हैं प्रीमियम वाले, वो अनलॉक होते जाएंगे। उसको बैक करते हैं। ये तो उसके बाद ऊपर लिखा हुआ है सर्च कॉन्टैक्ट्स, जहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आगे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये फीचर्स दिखाए जा रहे हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो उसके जो जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको शो करवाए जाएंगे। उसके बाद आगे थ्री डॉट्स है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना कोई यहाँ पर नया कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और किसी कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बैकअप वगैरह, वो यहाँ पर ऑप्शन हैं। उसके बाद इसको बैक करते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे जो हिस्ट्री होगी वो आपकी कॉल्स वगैरह जो आपने की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगे। जी तो उसके बाद ये नीचे आते हैं इनसाइट्स के ऊपर। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे जो आपके स्टैट्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो आपको शो करवाए जाएंगे। जो आपकी जो भी डिटेल होगी, आपने जो कॉल्स वगैरह यहाँ से की होंगी या आपको आई होंगी मिस्ड कॉल वगैरह, सारी डिटेल यहाँ पर होगी। उसके बाद ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो आपने रिकॉर्डिंग्स की होंगी कॉल्स की, वो यहाँ पे आपको शो करवाई जाएंगी। अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड नहीं की तो इसलिए ये नो रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है। उसके आगे है स्टोर, यहाँ से आप इसकी थीम वगैरह को चेंज कर सकते हैं।
कुछ यहाँ पे फीचर्स फ्री में है, कुछ आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, तो यहाँ से वो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको बैक करते हैं। आगे है जी स्पैम का ऑप्शन। आप किसी नंबर को ब्लॉक करते हैं तो वो उसके जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पे आपको शो करवाए जाएंगे और ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे शो करवाई जाएगी। उसके आगे है जी कॉल ऐप। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर्स होंगे यहाँ पे वो शो करवाए जाएंगे जी। तो अब इसके जो पहला मेन फीचर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो डायल पैड का आइकन बना हो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी नंबर टाइप करेंगे जिसको आप WhatsApp पे मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वो नंबर सेव नहीं है और आप ना ही वो नंबर सेव करना चाहते हैं। सिंपली आपने उसको मैसेज करना है एक दफ़ा सिर्फ, तो उसके लिए आपने यहाँ पे नंबर वो डायल करना है जी। तो ये नंबर मैंने वैसे ही डायल कर लिया है, इसका मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है, ऐसे ही मैंने टाइप कर लिया है। तो सर्च फॉर ये जो नंबर आगे लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर इस बंदे ने प्रोफाइल बनाई होगी तो इसकी पिक्चर वगैरह, इसका नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो होगा। और ये नीचे लिखा हुआ है यूफोन, ये यूफोन का नंबर है। अगर इसने कन्वर्ट करके जॉन्ग वगैरह पे किया होगा तो वो भी यहाँ पे शो करवाया जाएगा। उसके अलावा ये नीचे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप के ऑप्शंस, यहाँ से ये जो फर्स्ट पे है मैसेज आप इसको कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा सेकंड पे व्हाट्सएप के ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसका नंबर आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको बैक करते हैं। इसके अलावा यहाँ से ही आप सिम पे कॉल वगैरह करना चाहें तो ये नीचे डायलर है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आइकन के ऊपर तो यहाँ से ही डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। इसको बैक करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने इसके दूसरे मेन फीचर की जानब, जो कि है हमारा कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन। उसको आपने कहाँ से ढूंढना है, ये ऊपर आप जाएंगे प्रोफाइल में, ऊपर ये सेटिंग का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज वगैरह को चेंज कर सकेंगे। इसके अलावा बैक करेंगे कॉलर आईडी है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसको बैक करेंगे तो रिकॉर्डर वाला ऑप्शन है, मैनुअल रिकॉर्डिंग और ऑटो रिकॉर्डिंग। आपने ऑटो रिकॉर्डिंग पे रखना है, जो भी कॉल आप करें या आए आपको उसकी आप रिकॉर्डिंग कर सकें। इसके अलावा इंक्रीज रिकॉर्डिंग वॉल्यूम आप फुल कर सकते हैं और इसको बैक कर देंगे। सिंपली इतनी सी सेटिंग है इसकी। और कस्टमाइजेशन पर जाकर आप इसकी थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें जो भी सेटिंग करना चाहें, ऑटो डार्क वो आप रख सकते हैं। तो इसको बैक करते हैं। नोटिफिकेशन है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन इसके ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। बैक करते हैं। अब आप यहाँ से आप किसी को भी जब कॉल करेंगे तो उसकी कॉल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। आपकी जो अपनी आवाज़ होगी वो भी क्लियर रिकॉर्ड होगी, जो अगला बंदा आपको कॉल करेगा वो भी क्लियर रिकॉर्ड होगी। तो बड़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर ट्राई करके चेक कीजिएगा जी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ये एप्लीकेशन पसंद आई है तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।